हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की गिनती और अनमोल अखबार। मुआफी मांगना ये जायद नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये जायद करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है। शोहर को चाहिए बीवी की तारीफ से ज्यादा इसका एहसास करे, और एक बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं कि कोई मेरी फिक्र करने वाला है। हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है, बजाय नेक नजर आने वाले लोग भी अपने अंदर हर वक्त शैतान से लड़ रहे होते हैं। उनके भी कम होते हैं, वो भी टूटते हैं। उनके लिए भी कुछ अच्छे काम करना आजमाइश बना रहता है। मैं जन्नत की शोक में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखोगे। जब वो शाम को वापस घर जाते हैं तो इन्हीं चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरियात के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फख्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की जरूरत है और वो तुम हो। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको हमारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब इंसान तलाश मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया में जो रिश्ता बनाया वो मियां बीवी का था, और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी दूर छांव आए इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं। किसी के लिए पर्दा, किसी के लिए जुबान के गुनाह, किसी के लिए आंख की खयानतें, और किसी के लिए सच बोलना, हर शख्स का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। हसद बीमारियों में से सबसे बदतरीन बीमारी है। हसद नेकियों को इस तरह तबाह कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है।